हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीमेल पर फ़ोटो कैसे सेव करते हैं। तो गाइस, अगर आप अपने जीमेल पे कोई फ़ोटो सेव करना चाहते हैं, जिससे कि गाइस कभी भी आप उस फ़ोटो को वापस ला सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं, गाइस आपका जब मन करे आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे किसी फ़ोटो को अपने जीमेल पे अपलोड करते हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, अपने जीमेल को ओपन करना है। ओपन करेंगे, इस प्रकार ओपन होगा। फ़ोटो सेव करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखिए फ्रॉम, फिर टू, फिर सब्जेक्ट और फिर कंपोज ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, देखिए टू पर आपको क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पर टाइप क्या करना है, जो आपका ऊपर जीमेल लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर जो भी लिखा है आपको यही जीमेल आपको यहाँ पर टू पर टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टू पे टाइप करेंगे वही जीमेल, तो गाइस उसका फ़ोटो आ जाएगा, जो भी फ़ोटो आप लगाए रहेंगे जीमेल पे, और आपको देखिए वो फ़ोटो शो होगा। तो गाइस देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जीमेल को जैसे ही लिखा फ़ोटो आ चुका है। और देखिए मैंने फ़ोटो, देखिए जैसे जीमेल पर क्लिक किया फ़ोटो यहाँ पर शो हो रहा है। आपको भी ऐसा दिखेगा, अगर आप अपना फ़ोटो लगा रहेंगे तो आपका फ़ोटो दिखेगा। फिर आपको सब्जेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाय या फिर फ़ोटो, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर कंपोज ईमेल पे क्लिक करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ लास्ट में ऊपर की साइड इस पर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है अटैच फाइल पे। तो जैसे ही आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, अब आप आ जाएंगे यहाँ पर। और अब आप देखिए यहाँ से अपनी गैलरी में जा सकते हैं, फ़ोटो में। तो गाइस देखिए, फ़ोटो में जा सकते हैं, और अगर आप अपने फाइल मैनेजर में कोई डॉक्यूमेंट रखे हैं तो अपने फाइल मैनेजर में भी जा सकते हैं। तो आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो पर क्लिक कर सकते हैं, अगर फाइल मैनेजर से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो अपने फाइल मैनेजर में भी जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जहाँ पर भी आप रखें, आपको देखिए इंटरनल में तो इंटरनल में क्लिक करना है, एसडी कार्ड तो एसडी कार्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में, जैसे आप यूज करते हैं। और फिर गाइस आपको देखिए, जो भी फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, भेजना है, अपलोड करना है, आपको उस पर देखिए टाइप करना है। और देखिए सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर एक बार टाइप करेंगे तो एक ही सेलेक्ट होगा, अगर आप कई फ़ोटो भेजना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइप किए रहना है एक पे। जैसे ही टाइप किए रहेंगे, कुछ टाइम तक होल्ड किए रहेंगे टाइप करके, और फिर आप देखिए दूसरे पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए लास्ट में ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए दो फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको ऊपर की साइड इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए सेंड हो रहा है मैसेज, मतलब कि जा रहा है, अब हमारा फ़ोटो हमारे जीमेल पे अपलोड हो रहा है। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस देखिए, हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, और देखिए यहाँ पर आपके मैसेज में भी आ जाएगा जीमेल पे। और फिर गाइस, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो भी आपको शो होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब गाइस आप इस फ़ोटो को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।